शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे तिजारत के बारे में। तिजारत क्या है? तिजारत एक सुन्नत कारोबार है, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तिजारत का काम किया है, यह आपकी सुन्नत है। तिजारत के जो बुनियादी उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाए हैं, उन उसूलों के तहत जो तिजारत और लेन देन होगी वो इबादत में शामिल होगी, वरना खिलाफ वर्जी की सूरत में दुनिया में तो शायद दौलत इकट्ठी हो जाएगी मगर आखिरत में बदतरीन अजाब मुंतजर होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, नाप और तौल पूरा पूरा किया करो इंसाफ के साथ, कि तुम तोलने में जुल्म ना करो, और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोलने में कमी ना करो। ताजिर को चाहिए कि नाप तोल में अदल कायम करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, नाप और तोल पूरा किया करो इंसाफ के साथ। नाप तोल में कमी ज्यादती को कुरान ने शदीद हराम करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कोई चीज़ खरीदी तो वजन करने वाले से फरमाया, तोलो और झुकता हुआ तोलो, यानी तोल कर दो मगर पलड़ा कदीम झुका हुआ हो। एक बुखारी की हदीस में बरिवायत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो बेचने के वक्त नरम हो के हक से ज़्यादा दे और ख़रीदने के वक्त नरम हो के हक से ज़्यादा न ले, बल्कि कुछ मामूली कमी भी हो तो राज़ी हो जाए, मिलावट ना करे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में एक गल्ले के ढेर के पास से गुजरे और उसमें अपना हाथ दाखिल किया और अंदर से तह में नमी महसूस की। पूछा, ये क्या बात है? अर्ज किया गया कि बारिश की वजह से ऐसा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमी वाले हिस्से को ऊपर क्यों नहीं कर देते कि लोग देख ले, और फरमाया, जो शख्स धोखा दे वो हमारी जमात से खारिज है। जो दुकानदार और ताजिर जानबूझकर किसी शय में मिलावट करते हैं फिर उसे बगैर जाहिर किए फरोख्त कर देते हैं, वो कितना बड़ा धोखा और जुल्म करते हैं और उस पर शदीद गिरफ्त होगी। कौम शुएब अलैहिस्सलाम इसी नाप तौल और मिलावट की वजह से हलाक हुई थी। ऐबदार सामान का ऐब बयान करे, पर्दापोशी ना करे। दुकानदार को चाहिए कि वो बेचने वाले सामान के तमाम ऐबों को बयान करे और ख़रीदार को वाजे कर दे कि माल सामान में ये कमी वैसी है। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जब कोई शे बेचते या खरीदते तो माल के उयूब को खोल खोल कर बयान कर देते और कहते कि मैंने फ़र्ज अदा कर दिया, अब खरीदना ना खरीदना तुम्हारे इख्तियार में है। लोगों ने कहा कि आप इस तरह ग्राहक को बदजन करते रहते हो तो तिजारत कैसे करोगे? आपका जवाब था, हम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर इस बात का अहद कर चुके हैं कि हर मुसलमान की खैरखाई मलहूज रहेगी। माल की बेजा तारीफ ना करें। दुकानदार को अपने माल की बेजा तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके हर कौल व फेल का मुहासबा होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए चौकस निगरान यानी फरिश्ते मौजूद ना हो। माल को जमा ना करे। माल को खरीद कर जखीरा करना कि उसे बाद में ज्यादा कीमत पर बेचा जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शदीद मजम्मत फरमाई है। इरशाद गरामी है, जब किसी ने गल्ले या अनाज 40 दिन तक रोके रखा वो समझ ले कि उसने अल्लाह ताला से अपना मुनकतह कर लिया है और अल्लाह ने उससे अपना रिश्ता मुनकतह कर लिया है। जखीरा करना इतना बड़ा गुनाह है कि खैरात से भी उसका कफारा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहद की पूछ होगी, वादा खिलाफी बड़ी बुराई है। एक हदीस में है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ करे, और जब अमानतदार बनाए तो खयानत करे। गर्ज के वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो और समझता हो कि वो मुसलमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा के बाजार से गुजरते तो फरमाते, ए लोगों, थोड़े मुनाफे को वापस ना करो क्योंकि ज़्यादा मुनाफे से महरूम रहोगे। लोगों ने अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपकी अमीरी का बास क्या है?
आपने कहा कि मैं थोड़े मुनाफे को भी वापस नहीं करता। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बेचने में ज़्यादा कसम खाने से बचो, यानी इस ख्याल से कि हमारा माल खूब बिके, बहुत कसमें ना खाओ, क्योंकि ज़्यादा कसम खाने में कोई ना कोई कसम ज़रूर झूठी निकलेगी और फिर इससे बेबरकती होगी और अल्लाह ताला के नाम की बेअदबी भी होती है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ूंगा, ज़कात अदा करूंगा और मुसलमानों के हक में खैरख्वाही करूंगा। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।